और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुनवाई चल रही थी देशद्रोह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट से ये बात सामने निकल के आई है कि देशद्रोह के पुराने मामलों पर सुनवाई दरअसल रोक दी जाए। अर्पिता, जिस मामले को लेकर सबसे ज्यादा संघर्ष था, उसी को लेकर दरअसल एक स्थिति स्पष्ट यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है कि समीक्षा होने तक कोई नया केस नहीं दर्ज किया जाएगा किसी भी राज्य में। यानी कि जब तक समीक्षा पूरी नहीं होती है, कोई भी मामला देशद्रोह का आता है उसे दर्ज ना किया जाए। जुलाई के तीसरे हफ्ते में, यानी कि जब कोर्ट बंद हो जाएंगे, उसके बाद जब पुनः खुलेंगे तब दोबारा सुनवाई शुरू होगी। जेल में जो लोग बंद हैं वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, ये कोर्ट का मानना है।